Hi, Vin, this is Asim from Campus of Center Faculty of Law Institute of Delhi. Today, I would like to discuss the landmark case of CRPC, which is mentioned in our case mat. Case ka naam hai Sushila Agrawal versus State and City of Delhi. Ye 2020 ka case hai. Aur ye jo case hai, wo mukh roop se Supreme Court guideline for anticipatory bail pe based hai, jo section 438 of CRPC se related hai. To chaliye ab is case ke fact, issue and judgment pe aate hain. ये केस जो है वो तब फाइल किया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट के दो प्रीवियस जजमेंट जो हैं आपस में कंट्राडिक्ट कर जाते हैं एंटीसिपेटरी बेल के रिगार्डिंग. इसलिए प्रेजेंट केस में इस केस को फाइल करने की ज़रूरत महसूस होती है, जिसमें से पहला जो केस है वो है ग्रूवर सिंह सीबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एंटीसिपेटरी बेल जो है वो कभी भी अरेस्ट होने से पहले जो है एग्रीव्ड पर्सन जो है वो उस एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ऐसा करना जो है वो उसके फंडामेंटल राइट का हिस्सा है जो आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसे दिया गया है पर्सनल लिबर्टी को सेफगार्ड करने के लिए. और इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, यानी कि टाइम बाउंडेशन नहीं है. जबकि दूसरी तरफ सलाउद्दीन अब्दुल समद शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1995 के केस में सुप्रीम कोर्ट जो है अपने अर्लियर डिसीजन को ही चेंज कर देती है और कहती है कि एंटीसिपेटरी बेल शुड इंडीड हैव ए टाइम लिमिट, यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने टाइम लिमिट को फिक्स कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एंटीसिपेटरी बेल को फाइल करने का जो राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है उसके टर्म्स और वैलिडिटी के ग्राउंड पे. इसलिए ये जो दो जजमेंट हैं वो आपस में कंट्राडिक्ट कर जाते हैं. इसलिए प्रेजेंट केस में एक स्पेशल लीव पेटिशन फाइल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में और कहा जाता है कि एंटीसिपेटरी बेल में टाइम लिमिट है या फिर नहीं है, उसको पूरी तरह से क्लियर करें. और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से ये भी प्रे किया जाता है कि सेक्शन 438 के माध्यम से जो एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन है उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन इशू किया जाए. तो चलिए अब सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और डिसीजन पे आते हैं. सुप्रीम कोर्ट जो है वो गाइडलाइन इशू करती है, जिसमें से पहला ये है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सीआरपीसी में कहीं पर भी ये स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है कि एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट करते समय कोई भी टाइम लिमिट दिया जाए. दूसरा ये है कि कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो डिसाइड करे केस बाय केस कि एंटीसिपेटरी बेल देते समय क्या टाइम लिमिट को इम्पोज किया जाए या नहीं जाए. तीसरा है कि ये मैंडेटरी नहीं है कि एंटीसिपेटरी बेल देते समय टाइम लिमिट को फिक्स ही किया जाए, यानी कि ये कोर्ट के ऊपर है, मैंडेटरी नहीं है. चौथा है कि ये जो ड्यूरेशन है एंटीसिपेटरी बेल का ये कब तक हो. तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जब तक ट्रायल कंक्लूड नहीं होता है जनरली तब तक जो है एंटीसिपेटरी बेल का ड्यूरेशन होता है. पांचवा है, कोर्ट कहती है कि एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करते समय पेटिशनर के ऊपर जो है कंडीशंस को इम्पोज किए जाने चाहिए, यानी कि अगर कोर्ट चाहे तो पेटिशनर के ऊपर जो है कंडीशन भी इम्पोज कर सकती है ताकि एविडेंस के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो और जो ऑफेंस का सीरियसनेस है उसके साथ भी कोई भी टेम्परिंग ना हो विटनेस के साथ. छठा ये है कि ये जो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट किया जाता है कोर्ट के माध्यम से, इसको ब्लैंकेट के रूप में ट्रीट नहीं किया जाए कि भाई हमको अब ऐसी राहत मिल गई है कि अब पुलिस या फिर कोर्ट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यानी कि ये एक निगेटिव प्रस्पेक्टिव हो जाता है एंटीसिपेटरी बेल का. तो कोर्ट कहती है कि एंटीसिपेटरी बेल का मतलब ये नहीं है कि भाई आप दोबारा वही क्राइम करो और पुलिस आपको अरेस्ट ना करे. सातवां ये है कि अगर एंटीसिपेटरी बेल का कंडीशन वायलेट होता है, यानी कि जिस व्यक्ति ने एंटीसिपेटरी बेल लिया है और बेल लेते समय कोर्ट ने उस पर जो कंडीशन इम्पोज किया था, अगर उस पर्सन ने उस कंडीशन को वायलेट किया है तो पुलिस जो है वो कोर्ट अप्रोच कर सकती है उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, यानी कि एंटीसिपेटरी बेल को कैंसिल करने के लिए. पांचवा यह है कि एंटीसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन कब फाइल किया जा सकता है. तो इसका जवाब में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एफआईआर के फाइल होने से पहले भी एग्रीव्ड पर्सन जो है वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है अगर उसे लगता है कि उसके पास सफिशियंट रीजन है कि पुलिस जो है उसे अरेस्ट कर सकती है. नौवां यह है कि हायर कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट
या फिर अपीलेट कोर्ट जो भी हो, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो इस तरह का जो बेल ग्रांट किया गया है उसको रिव्यू कर सके और साथ ही साथ करेक्ट कर सके अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है ऐसा करने के लिए रिक्वेस्ट करती है कोर्ट से। यानी कि फाइनली जो है वो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अगर पार्लियामेंट ने लॉ बनाते समय एंटिसिपेटरी बेल के रिगार्डिंग कोई भी टाइम लिमिट नहीं किया है, यानी कि अगर उसने सिटीजन के राइट को सबसे ऊपर रखा है, तो फिर कोर्ट भी जो है इस मामले में इंटरफेयर नहीं करेगी। यानी कि कोर्ट भी जो है सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी और इंडिविजुअल के लिबर्टी को भी प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि इंडिविजुअल का जो राइट है यानी कि जो फंडामेंटल राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही ऊंचे पायदान पे है, इसलिए उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो इस केस के फैक्ट, इश्यू एंड जजमेंट यही है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको इस केस का PDF चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मैसेज करके PDF अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।